खबर ग्वालियर से है, जहां स्मैक की खेप लेकर आए दो तस्कर को मुखबिर की सूचना पर जनकगंज थाना पुलिस ने काली माता मंदिर के पास से पकड़ा है। पुलिस को तस्करों की तलाशी में उनके पास से बड़ी मात्रा में ग्राम स्मैक मिली। बरामद की गई स्मैक की कीमत 7 लाख रुपए के लगभग आंकी गई है। पुलिस ने पकड़े गए नशे के सौदागरों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। शहर की जनकगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि दो तस्कर स्मैक लेकर आने वाले हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने काली माता मंदिर के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा है। पकड़े गए तस्करों की तलाशी ली तो उसके पास से 700 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतीश कौरव निवासी गोल पहाड़िया और ब्रिजेश कौरव निवासी बरहेट गोहद भिंड के रूप में हुई है। पकड़े गए नशे के सौदागरों ने बताया है कि वह लंबे समय से स्मैक की खेप लेकर ग्वालियर में आ रहे हैं। वह यह स्मैक मैनपुरी उत्तर प्रदेश से किसी गौरव नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाया करते हैं। इस स्मैक को लक्ष्मीगंज गोल पहाड़िया के आसपास के एरिया में छोटी छोटी गुड़िया बनाकर 200 रुपए में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर यह पता लगा रही है कि यह दोनों तस्कर शहर के किन किन लोगों को स्मैक सप्लाई करते हैं। जनकगंज थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार का कहना है कि पकड़े गए नशे के सौदागरों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। उनसे पूछताछ की जा रही है जिससे पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।